तो चलिए अनबॉक्स कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट को जो हमने अमेजोन से मंगाया है। और ये है रिमोट जो कि हमने चाहे तो आप इसे पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, टीवी पर, कहीं भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। टीवी पे जो एंड्रॉयड गेम होते हैं उनमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कंप्यूटर गेम खेलने आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। वायरलेस है, कोई तार की आपको ज़रूरत नहीं होती है। इसमें एक डोंगल आता है, वो मैं आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा। फिलहाल आप ऊपर की स्पेसिफिकेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये देखेंगे विंडोज़ 10 में भी कंपेटेबल है, और ये बताया गया है कि 10 मीटर्स वायरलेस कनेक्टिविटी यानी 10 मीटर के अंदर आप इसे खेल सकते हैं। 10 मीटर तक की अगर दूरी तक भी हैं आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे, आप चला पाएंगे रिमोट को। और ये बता रहे हैं कि जो चार्जिंग आपकी होती है, एक बार आप इसे चार्ज करते हैं, चार्जेबल होता है, आप इसे चार्ज करते हैं तो 10 घंटे तक ये काम करता है, 10 घंटे तक आप इसमें गेम खेल सकते हैं। तो चलिए इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये रिमोट है, ज़्यादा वजन नहीं है, हल्का ही है और काफ़ी अच्छा है। ये देखिए आप इसके बटन, ये दबाने के हैं, ये भी दबाने के हैं, एक ये है अलग है, ये अलग है, और ये आपका देखिए अलग ही बटन, काफ़ी अच्छा एक डिज़ाइन बना करके। टर्बो बैक, अगर कोई गेम से बाहर निकलना चाहते हैं चला करके देखेंगे, अभी अनुमान से ही बता रहा हूँ कि बैक अगर आपको जाना हो ये करते हैं, ये कनेक्टिविटी के लिए इसे दबा कर रखेंगे कनेक्ट हो जाएगा। स्टार्ट गेम को कोई करते हैं, और ये जो बटन है एक्स वाई ए बी, ये कुछ भी जैसे कोई आपका प्लेयर है उसे चलाने के लिए, मारने पीटने उछालने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो वो तो हम चला करके कनेक्टिविटी के साथ देखेंगे ही। ये होती है जहाँ पर आपको चार्ज करने की, आपको यहाँ पर लीड लगानी होती है। ये डाटा केबल है, ये डोंगल बोलते हैं, इसे हमें लगाना होता है टीवी में या फिर आपको लगाना होता है पीसी में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, इसे लगाएंगे फिर इससे कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करना होता है इस बटन को दबा करके। तो ये इसलिए दिया गया है, दो डोंगल आपको मिलते हैं, एक ये तो दो आपको मिलते हैं, लगाना एक ही है। ये इसकी डाटा केबल है जो आपको मोबाइल यहाँ से चार्ज करना होता है, वो ये डाटा केबल है। आप इसे किसी मोबाइल चार्जर में, जैसा मोबाइल होता है फ़ोन का चार्जर होता है, उसमें लगा कर इसे चार्ज कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं और इसके फंक्शन को देख लेते हैं कैसे हमें इसे अटैच करना होता है। ये आपका रिमोट है, और अभी हम इसके अडेप्टर को निकाल लेते हैं, जैसे डोंगल बोलते हैं, अडेप्टर बोलते हैं, जो भी आपकी भाषा है। तो इसे आपको लैपटॉप में लगाना है जैसे पेन ड्राइव को लगाते हैं। अब ये देखिए इसे मैंने लगा दिया है जैसे पेन ड्राइव लगाते हैं, और अब आपको क्या काम करना है, आपको कुछ कोई ड्राइवर इसमें डाउनलोड नहीं करना होता है। हालांकि किसी के साथ आपको इसमें सीडी मिल जाती है, लेकिन मेरे साथ कोई सीडी नहीं आई है, तो फिर भी मैं इसे आपको चला करके दिखाऊंगा गेम को। तो आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये होम बटन है, ये होम बटन है, आप देख रहे होंगे, इसे आपको थोड़ी देर दबाना है, और जो ये लाइट है आपको ये जली हुई दिखाई देंगी, ये कनेक्ट हो गया। देखिए बटन दबाते ही कनेक्ट हो गया। यहाँ पर देखिए शुरू की पहली और तीसरी लाइट नहीं जल रही है, दूसरी और चौथी लाइट जल रही है। यहाँ पर ये एक्स मोड में है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ी देर और दबाएंगे, इसका मोड चेंज हो गया है, ये डायरेक्ट मोड में आ गया है, एक्स मोड से डायरेक्ट मोड में आ गया है। कुछ गेम डायरेक्ट मोड में चलते हैं, कुछ एक्स मोड में चलते हैं, वो आप कर ये देख लीजिएगा, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं। दोनों मोड मैंने आपको करके दिखा दिए, जब भी मोड आपको चेंज करने हैं इस बटन को दबा दीजिएगा। ये फिर से देख सकते हैं कि दूसरा मोड चेंज हो गया आपका। लेकिन अभी तक आपने देखा होगा जो गेम खेल करके दिखा रहे हैं सब, वो बड़े बड़े गेम खेल के दिखा रहे हैं, लेकिन मैं आज आपको पुराने गेम जो रेट्रो गेम है, जो NES गेम है, जो जैसे मारियो, कॉन्ट्रा, उस तरह के गेम आपको खेल कर किसी ने नहीं दिखाए होंगे, तो मैं इस रिमोट से उन गेम को खेल करके आपको दिखाऊंगा। इसका एमुलेटर डाउनलोड करना होता है, नेट पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, वो देख लीजिए कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे खेलते हैं, मैं बस आपको रिमोट कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये 64:1 है जो आप कभी खेलते थे, तो कीबोर्ड की सहायता से आप इसे खेल सकते हैं। ये ऑप्शन देखें, यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है आप कीबोर्ड से खेलना चाहते हैं इस गेम को या रिमोट से। ये देखिए जॉयस्टिक का मतलब होता है रिमोट, जो आप रिमोट से गेम खेलते हैं, और कंट्रोलर का यहाँ पर आप इससे
चाहे ये देखिए यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, ये मैंने असाइन करके देखे थे पहले, ये जॉयस्टिक के ये असाइन किए हुए हैं ये बटन, ये कंट्रोलर हैं, कंट्रोलर 2, कंट्रोलर 3, यानी आप 2 रिमोट भी जोड़ सकते हैं, 4 रिमोट भी जोड़ सकते हैं और आप कीबोर्ड से भी खेल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये एंटर पे इसे एरो ले जा करके, ये एरो ले गए और यहाँ पर देखो क्लिक करो ऐसे और देखो ब्लिंक होना शुरू हो गया। अब आप जो भी बटन दबाओगे, जैसे मैंने दबाया W, तो ये देखें W असाइन हो गया, यानी जो बाई तरफ का बटन है वो W से चलेगा। तो यहाँ से आप असाइन कर लेंगे, कोई भी वीडियो में नहीं बताते हैं कि असाइन कैसे किया जाता है, रिमोट से खेलना शुरू कर देते हैं, चलाना शुरू कर देते हैं, नहीं चलेगा एकदम से, पहले आपको असाइन करना पड़ेगा। तो मैंने कंट्रोलर 3 में असाइन किया हुआ है, फर्स्ट से करा था नहीं चला था, सेकंड से करा था ये देखिए कर रखा है, सेकंड पे नहीं चला मेरा गेम, लेकिन जब मैंने थर्ड कंट्रोल पर असाइन किया ये देखिए बटन चल रहे हैं तो मेरा गेम चालू होगा। मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो इसे ऐसे क्लिक करना है, अब जो भी इसमें से आप बटन दबाओगे वो ही बटन बन जाएगा। ये देखिए मैंने बी दबाया है बटन, मैंने ये दबा दिया बी बटन और बी बटन दबाते हैं यहाँ पर असाइन होगा। तो अब आप गेम खेल सकते हैं, वापस आ जाइएगा, आप सारे करके देखें, पहले कंट्रोलर फर्स्ट में असाइन कर लें ऐसे ही बटन सारे अपने, फिर 2 में अगर चल रहा है ठीक है, नहीं तो 3 में करने पर चल जाएगा, मेरा 3 में चल रहा है, मुझे नहीं पता कैसे होता है ये, तो आप करके देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और जिस बटन से आपको काम लेना है वो बटन आप असाइन कर दीजिएगा, जैसे ऊपर का बटन मैं ये वाला बनाना चाहता हूँ, कोई इसे बना लेता है, मुझे ये नहीं चलाना, मुझे ये वाले चलाने हैं, तो आप देखेंगे असाइन करने के लिए और मैं ये वाला बटन दबा दिया और ये देखिए अप का नाम लिखा हुआ रहा है, J0PO अप, ये तो यानी मैंने अप का बटन ये वाला दबाया है, वहाँ पर असाइन हो चुका है। तो अब गेम खेल करके दिखाते हैं, ये देखें मैं आपको दिखाऊं, ये नीचे करके दिखा रहा हूँ आपको और मैं थोड़ी सी आवाज़ भी खोल देता हूँ ताकि आपको एक बार जो की मैं दबा रहा हूँ उसकी आवाज़ सुन सकें आप। ये देखिए स्टार्ट करना है मुझे स्टार्ट बटन से, ये स्टार्ट बटन है, ये स्टार्ट हो गया, ये इसमें है। अब मैं इस बटन को करके दिखाऊंगा आपको, ये नीचे जाएगा, ये देखो अब दाएं बटन दबा कर दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये बटन काम करेगा, मैं बम रखूँ यहाँ पर, बॉम्बरमैन गेम है ये, अब देखो मैं बम रखूँ यहाँ पर, एक बार फिर से आपको दिखाऊंगा, बम रख के भागूँगा ऐसे, एक बम यहाँ पे फिर रखूँ यहाँ पर, ये देखिए। तो ये गेम आप ऐसे असाइन कर सकते हैं, ये टीवी से भी अटैच हो जाता है, ये मोबाइल से भी अटैच हो जाता है, बहुत सारे फंक्शन है इसके, आप इसे मंगाएं। और जो कंपनी दावा करती है वो ये कहती है कि 10 घंटे तक ही चल जाता है एक बार चार्ज करने के बाद, तो काफ़ी अच्छा है, इस कीमत में थोड़ा महंगा हो सकता है बट अगर काम देखेंगे तो बहुत अच्छा है। अब इसे हम करना है कि हम इसे बंद कैसे करना है, तो देखिए अगर आप यहाँ से इसे एडेप्टर को निकाल देंगे खुद ही बंद हो जाएगा, ये आपको मैं पास से ही दिखा दूँ, ये देखें अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो थोड़ी देर बाद ही खुद ही बंद हो जाएगा। और अगर आपको बंद करना है तो बी और ये जो बैक वाला बटन है एकदम से दोनों एक साथ दबाने हैं 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए, ये तुरंत बंद हो जाएगा। तो ये बंद है, फिर से वही प्रोसीजर करना है, अगर आपको चलाना है यहाँ पर इस एडेप्टर को लगाइएगा, इस होम बटन को दबाइएगा, चलना शुरू कर देगा। तो इसका जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है आप जाकर वहाँ से अगर चाहें तो परचेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, आपका दिन शुभ हो, नमस्कार, धन्यवाद।